कि मास्टरबेशन क्या हेल्दी है या ये अनहेल्दी है और कितनी क्वांटिटी में इसको आप कर सकते हैं। लोग जो मास्टरबेशन करते हैं उसको हेल्दी समझ के करते हैं, तो मैं सच में उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एटलीस्ट धीरे धीरे करके इसको छोड़ें, ये एक एडिक्शन है। क्या है ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, क्या टाइमिंग होती है जो आप एक फीमेल को सेटिस्फाई करने के? पेनिट्रेशन के बाद अगर आपकी जो सेक्स टाइमिंग है वो अगर 2 मिनट है, दैट्स मीन यू आर कम्प्लीटली हेल्दी। अगर आप वाकई में अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है और नेचुरली इसको बूस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक ड्रिंक बता रहा हूँ। ये इतना गजब का ड्रिंक है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को ना बहुत तेजी के साथ बढ़ाता है बॉडी। नाइटफॉल कितने दिन में होना नॉर्मल होता है और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? महीने में 3 बार किसी भी टाइम हो रहा है तो दैट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। क्योंकि आप आधी चम्मच कलौंजी लें, उसको अच्छे से क्रश करके एक गिलास गुनगुने पानी के अंदर उसको डालें, एक चम्मच जैतून का तेल डालें और उसको रात में सेवन करें। इससे नाइटफॉल भी आपका ठीक होता है, दांत की प्रॉब्लम भी आपकी। कोई ऐसी ड्रिंक जो हम उसको कंज्यूम करें जिससे हम अच्छे से सेक्स परफॉर्म कर सकें? पानी के अंदर आप थोड़ी सी जाफरान की यानी सैफरॉन की पत्तियां डालें थोड़ी। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा ट्रेलर में ही कि ये पॉडकास्ट होने वाली है सिर्फ और सिर्फ मेंस सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड। तो अगर आपके पास में कोई फीमेल या आपके पेरेंट्स बैठे हैं तो काइंडली इस अभी इस वीडियो को म्यूट कर दें, और अगर कोई नहीं है तो बिल्कुल आप इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ देख सकते हैं या अपने भाई के साथ भी देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट के अंदर हर वो सवाल जो आप अपने भाई से भी नहीं पूछ सकते हैं उस सवाल का जवाब आपको मिलेगा, जैसा कि पेनिस का साइज कितना होना चाहिए, पेनिस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, क्या सीमन की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो हर एक इस जैसे सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमने इनवाइट किया है डॉक्टर यूनुस मलिक को, जिनके पास नॉलेज का भंडार है, जो आपके हर एक सवाल को बखूबी जानते हैं और उनको अच्छे से आपको डिलीवर करेंगे। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर यूनुस मलिक का। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अगर मेरे ज़रिए से लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो मुझे खुशी होती है। और मुझे लोग बहुत सारे कमेंट्स करके बताते हैं कि सर हमने आपकी वीडियोस देखी, आपसे जो हमें नॉलेज मिली उससे हमारी लाइफ बहुत सेटल हो गई, तो मुझे इससे बहुत खुशी होती है और मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि मैं आपके साथ बैठ के यहाँ पॉडकास्ट बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब सबसे बड़ा मसला और सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा ये है आपसे कि ये मास्टरबेशन क्या हेल्दी है या ये अनहेल्दी है और कितनी क्वांटिटी में इसको आप कर सकते हैं? अगर देखा जाए ना तो इंटरनेट पे इसका आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ लोग इसको हेल्दी बोलते हैं, कुछ लोग इसको अनहेल्दी बोलते हैं। अगर साइंटिफिकली फैजान भाई इसको देखा जाए ना तो ये कम्प्लीटली अनहेल्दी है। जितनी भी चीज़ अननेचुरल है, ठीक है, देखिए सेक्स जो है वो नेचर ने बनाया है एक नॉर्मल वे में, यानी एक फीमेल को एक मेल के लिए बनाया, मेल को फीमेल के लिए बनाया है। ठीक। और जो सेक्सुअल ऑर्गन जो दिए गए हैं मेल को और फीमेल को, वो दिए गए हैं एक दूसरे के लिए। अगर उसके अगेंस्ट आप चल के किसी भी तरीके से हाथ से या किसी और तरीके से मैस्टरबेट करके आप उसको डिस्चार्ज करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली अननेचुरल। और जितनी भी अननेचुरल चीज़ें हैं वो अनहेल्दी हैं, और साइंटिफिकली इसको प्रूव किया जा चुका है। आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके देखेंगे, आपको इतनी सारी इसकी रिपोर्ट्स मिलेंगी कि उन्होंने कम्प्लीटली इसको अनहेल्दी बोला है। तो ऐसे लोग जो मैस्टरबेशन करते हैं उसको हेल्दी समझ के करते हैं, तो मैं सच में उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको एटलीस्ट धीरे धीरे करके इसको छोड़ें, ये एक एडिक्शन है। मैस्टरबेशन करने से आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की आएगी, फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, नाइटफॉल स्टार्ट हो जाएगा, आपको स्ट्रेस रहने लगेगा, आपकी मैरिड लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी, और फाइनली आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी क्योंकि आपकी सेक्सुअल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और मैस्टरबेशन करते हैं, तो प्लीज़ आप मैस्टरबेशन को क्विट करें। उसका तरीका है क्विट करने का, जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आपके मुताबिक मास्टरबेशन जो है वो अनहेल्दी है कम्प्लीटली। अच्छा, आपने ये भी जिक्र किया है कि इसके अंदर आपने बताया है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएंगे कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, ये कैसे हो जाता है, उसका कोई होम रेमेडी, कोई इसकी जो नेचर वे में इसको हम इसका इलाज कर सकें? हाँ देखो,
इरेक्टाइल डिसफंक्शन फैजान भाई, मेंस के अंदर जो सबसे पहले अगर कोई डिजीज स्टार्ट होती है तो वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि एक मैन का पीनिस जो है लिंग, वो प्रॉपरली टाइट होना बंद हो जाता है, यानी खड़ा, जिसको उनको आम जुबान में जो बोलते हैं खड़ा होना या इरेक्ट होना बंद हो जाता है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन दो तरह के होते हैं। जब आप अपनी फीमेल पार्टनर के पास गए तो कम्प्लीटली हेल्दी पर्सन उसको माना जाता है कि जो किसिंग बॉडी प्ले करते हो उसको इरेक्शन आ जाता है, उसका लिंग टाइट हो जाता है और पेनिट्रेशन तक वो कम्प्लीटली टाइट रहता है, इजेकुलेट हो जाता है, वो एक हेल्दी पर्सन कहलाता है। अब पहले तरह का जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है वो ये होता है कि आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बॉडी प्ले कर रहे हैं, किसिंग कर रहे हैं, आपको इरेक्शन आया लेकिन पेनिट्रेशन से पहले चला गया, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। आपको पूरे पेनिट्रेशन तक, इजेकुलेट होने तक आपको इरेक्शन रहना चाहिए था। दूसरी तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये होता है कि आपने पेनिट्रेशन स्टार्ट कर दिया और पेनिट्रेट करते करते, स्टॉक लेते लेते आप सेक्स कर रहे हैं, उसी दौरान में आपको प्लेजर भी आ रहा है लेकिन इरेक्शन चला गया, ठीक, तो ये दूसरी तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत सारी रीजन से होता है, जैसे पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मैस्टर्बेशन, सबसे ज़्यादा जो मैस्टर्बेशन करने वाले लोग हैं उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, चेन स्मोकर्स को होती है, अल्कोहल को ज़्यादा यूज़ करने वाले लोगों को होती है, जिम में जो लोग जाते हैं जो बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं, पिल्स लेते हैं, उन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, जो लोग पॉर्न वीडियोज़ को ज़्यादा वॉच करते हैं उन लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, या ख़ास तौर से जो फैटी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा उनके प्यूबिक रीजन के अंदर फैट जमा हो जाता है, ऐसे लोगों को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका जो दूसरा सवाल था कि इसकी क्या रेमेडी होती है, देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेदा के अंदर सबसे अच्छी जो इसकी रेमेडी है वो है कि आप पिनाइल मसाज स्टार्ट करें किसी भी अच्छे ऑयल से। आप जैतून का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल जिसको बोलते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप तिल का तेल ले सकते हैं, आप सरसों का तेल ले सकते हैं, ये तो है बेसिक ऑयल। अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में बनाना चाहें तो आप थोड़ी सी तिल के तेल के अंदर थोड़ी सी आप लौंग पका लें और उस ऑयल से अपनी लिंग की मालिश करें। मालिश करने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके से ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने गलत तरीके से मालिश करी तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो मालिश करना ये एक प्रॉपर एक मेथड है, उसके तहत अगर आप नॉर्मल तेल से भी मालिश करते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ना बेसिकली मसाज से क्योर करते हैं। और अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, उसको डिज़ायर नहीं हो रही है या उसको ब्लॉकेजेस ज़्यादा हो गए, तो उसको हम क्या करते हैं कि एलार्जिनिन के नाम से कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं। एलार्जिनिन का रोल जो होता है वो यही होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो वो उनको खोल देता है, ब्लड का सप्लाई अच्छा हो जाता है, मसाज करने से भी ब्लड का सप्लाई अच्छा होता है। साथ साथ में अगर आप कोई टेस्टोस्टेरोन बूस्टर चीज़ लेते हैं, जैसे आप गोकुरू का इस्तेमाल करें, अश्वगंधा का इस्तेमाल करें, तो ये चीज आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है और आपको इरेक्शन अच्छा आना शुरू हो जाता है। यहां पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमें कब पता लगता है कि हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट हो रहा है। जी देखो, सबसे पहला साइन जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का है वो ये है कि आपको मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो जाता है। अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन आना बंद हो गया ना तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मेरा मेन क्वेश्चन है वो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। क्या है ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, क्या टाइमिंग होती है जो आप एक फीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए कितना टाइम आपको चाहिए रहता है? क्योंकि मेरे पास इतने क्वेश्चन आए हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से रिलेटेड कि ये हमें टाइमिंग बढ़ानी है, टाइमिंग बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब से कोई नुस्खा, कोई होम रेमेडी लाजमी जो है वो डॉक्टर साहब से लेनी है, तो काइंडली मुझे बताएं कि पहले ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, कितनी टाइमिंग होनी चाहिए एक फ़ीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए, या उसके लिए अगर किसी को है तो उसकी होम रेमेडी क्या है? देखिए, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसको हम हिंदी में शीघ्र पतन भी बोलते हैं या उर्दू के अंदर हम इसको सूरत अंजाल भी बोलते हैं, बेसिकली ये क्या होता है, ये होता है कि हम जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, ना खुद सेटिस्फाई हो पाते हैं ना फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाते हैं। इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं लेकिन अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो एक टाइमिंग डिसाइड की गई है ग्लोबली, जितने लोग दुनिया के अंदर हैं अलग अलग रीजन में रहने वाले, तो अगर कोई पर्सन 2 मिनट तक पेनिट्रेशन करने के बाद, पेनिट्रेशन बोलते हैं कि आपने वजाइना के अंदर अपने पीनिस को एंटर कर दिया वो पेनिट्रेशन कहलाता है, पेनिट्रेशन के बाद अगर आपकी जो सेक्स टाइमिंग है वो अगर 2 मिनट है
तो दैट्स मीन यू आर कम्प्लीटली हेल्दी। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि जिनको ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है वो क्या ऐसा खाएं, या वो अपनी डाइट ऐसी क्या रखें, या कोई ऐसी होम रेमेडी जो आप हमें बताएं ताकि लोग घर में बैठे ही उन रेमेडी को यूज़ करके प्री मेच्योर इजैकुलेशन से छुटकारा हासिल कर लें। देखिए, प्री मेच्योर इजैकुलेशन के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ता है कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो किस वजह से रहा है। ठीक है, तो वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कभी कभी साइकोलॉजिकल भी होता है, कभी ये फिजिकल भी होता है, कभी किसी इंजरी की वजह से भी होता है। तो बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि एक पर्सन हेल्दी है या उस वो चाहते हैं कि उसकी सेक्स टाइम बढ़ जाए, उसकी टाइमिंग इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए नुस्खे तो बहुत सारे हैं। लेकिन जो मेरा आजुदा नुस्खा है, जो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बनाकर लोगों को रिकमेंड भी किया है, जो कि यूनानी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया और बहुत सारी जो ऐसी किताबें हैं जिनसे मैंने हासिल किया है उस नुस्खे को और लोगों के ऊपर आजमाया है, तो एक नुस्खा बहुत गजब का है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को दूर करने के लिए और टाइमिंग को इंक्रीज करने के लिए जो मेरा बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है ना, वो ये है कि आप ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये लेनी है आपको। थोड़ी सी आपको खजूरें लेनी है, थोड़े से आपको बादाम लेने, थोड़े से आपको काजू लेने, थोड़े से आपको अखरोट लेने, थोड़े से आपको फिग जिसको अंजीर बोलते हैं अंजीर लेनी है, थोड़ी सी किशमिश लेनी है, और दो तरह के आपको ये सीड्स लेने हैं जिसमें पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। थोड़ी थोड़ी मात्रा में इनको ले लें, इनको रात में भिगो के रखें, सुबह में एक केले के साथ इसकी स्मूदी बनाएं, दूध डाल के एक गिलास दूध डाल के और इसका इस्तेमाल करें। कसब का फ़ायदा होगा आपको, पहले हफ्ते के अंदर आपको फील होने लगेगा, आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको लगेगा कि आपका स्टेमिना एकदम से बढ़ गया है, क्योंकि इसके अंदर वो सारे न्यूट्रिशंस हैं, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक मैन को एक स्टेमिना को इंक्रीज करने के लिए चाहिए। कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। तो मैं तो अपने पेशेंट्स को और अपने व्यूअर्स को यही शेक रिकमेंड करता हूँ जो कि बहुत गजब का है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं और इजीली आप इनको बना भी सकते हैं, और मतलब इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आप इजीली मॉर्निंग में बना सकते हो। थैंक यू सो मच। टेस्टोस्टेरोन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो क्या होगा और इसकी कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, टेस्टोस्टेरोन जब बॉडी के अंदर कम होता है तो उसके कुछ लक्षण ना बॉडी खुद शो करती है। ओके, जो जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो फील होता है किसी भी मैन को, वो ये होता है कि उसकी सेक्स डिज़ायर कम हो जाती है। ठीक है, एक तरफ उसकी फीमेल जो है वो इरोटिक रहती है, उसको सेक्स डिज़ायर रहती है, लेकिन मैन को टेस्टोस्टेरोन के कम होने की वजह से सेक्स डिज़ायर कम हो जाती है। और कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं कि बाल झड़ने लगते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होने लगता है, बॉडी में जो है ना वेट गेन शुरू हो जाता है, इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी स्टार्ट हो जाता है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो टेस्टोस्टेरोन की कमी को दर्शाते हैं, जिसमें एक लक्षण ये भी है कि आपको मॉर्निंग इरेक्शन आना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। ओके ओके, तो हमें बताइएगा इसकी कोई ऐसी रेमेडी जिससे हम टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकें। देखिए, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने की तो बहुत सारी रेमेडी है। पर्सनली जो लोग कुछ डायरेक्टली बनाकर टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट नहीं कर सकते, तो वो बाज़ार से गोखरू मिलता है जिसको ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस भी बोलते हैं, उसको लेके आएँ, सुखाएँ, पाउडर बनाएं उसका, आधा चम्मच सुबह में आधा चम्मच शाम में गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप वाकई में अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और नेचुरली इसको बूस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक ड्रिंक बता रहा हूँ। ये इतना गजब का ड्रिंक है जो आपके टेस्टोस्टेरोन को ना बहुत तेज़ी के साथ बढ़ाता है बॉडी के अंदर। आप डायबिटिक हो तो भी फायदा होगा, बीपी की प्रॉब्लम है तो भी फायदा, हर एक के लिए सूटेबल है। इसमें आपको चार तरह के पत्ते लेने होते हैं, एक पालक के पत्ते, थोड़े सा पुदीना का पत्ता आपको लेना होगा, थोड़े से धनिया का पत्ता लेना होगा, साथ में करी लीव्स लेनी होंगी। इनको छोटे छोटे हिस्सों में आप काट लें, काटने के बाद एक गिलास पानी के अंदर इसका आप जूस बना लें। पर्सनली मैं प्रीफर करता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली पिए, अगर इसके अंदर थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ बाकी रह जाए और आप इसको छान कर पीना चाहते हैं तो छान कर थोड़ा सा काला नमक मिलाकर, शहद मिलाकर पी सकते हैं। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत अच्छे से बूस्ट करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाइटफॉल कितने दिन में होना नॉर्मल होता है और इसको कैसे क्योर किया जा सकता है? देखिए, ज़्यादातर तो नॉर्मल जो है ना, अगर आपको महीने में 2 से 3 बार हो रहा है, यानी आपको 10 दिन में अगर एक बार हो रहा है,
महीने में 3 बार किसी भी टाइम हो रहा है तो दैट इज ऑलमोस्ट नॉर्मल। 4 बार हो जाए तो भी नॉर्मल, क्योंकि किसी किसी के अंदर सीमेन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से उनको ज्यादा नाइटफॉल हो जाता है। लेकिन अगर आपको हफ्ते में 2-3-4 बार हो रहा है तो दिस इज कम्प्लीटली अबनॉर्मल। ठीक है डॉक्टर साहब, कोई ऐसी क्योर या कोई होम रेमेडी जिससे हम नाइटफॉल को रोक सकें? नाइटफॉल को रोकने के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं, जिसमें से एक बहुत अच्छा नुस्खा ये है कि आप 1 चम्मच इसबगोल और उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर गर्म पानी से रात में लेना शुरू करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये धात या सीमेन लीकेज, ये जैसे यूरिन के साथ ड्रॉप्स आना, ये क्या चीज़ होती है? धात आजकल ना फैजान भाई इतनी कॉमन चीज़ हो गई है कि ज़्यादातर ना ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो लोग ज़्यादा पॉर्न वीडियोस देखते हैं, मस्टर्बेशन करते हैं, ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं तो उनकी पेल्विक मसल्स जो है ना वो काफ़ी वीक हो जाती हैं। पेल्विक मसल वीक होने की वजह से जब वो यूरिन पास करते हैं या स्टूल पास करते हैं उसके बाद ना सीमेन की कुछ ड्रॉप्स आती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली धात होता है और उसके कुछ अदर रीजंस भी होते हैं जैसे यूटीआई इन्फेक्शन, आपको आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है आपको तो उसकी वजह से भी आपको ये ड्रॉप्स आ जाते हैं। तो बेसिकली तो आजकल जितने पेशेंट हैं ना वो सारे साइकोलॉजिकल हैं क्योंकि वो ज़्यादा मैस्टरबेट करते हैं, पॉर्न वीडियोज़ को ज़्यादा देखते हैं और उनकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वीक हो जाती हैं और उनको फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए कोई होम रेमेडी या क्योर, किसको कैसे हम घर में बैठ के क्योर कर सकें? देखो फैजान भाई, धात की प्रॉब्लम को रोकने के लिए ना मैंने अभी नुस्खा जो बताया था आपको कि आप 1/2 चम्मच कलौंजी लें, उसके वो अच्छे से क्रश करके 1 ग्लास गुनगुने पानी के अंदर उसको डालें, 1 चम्मच जैतून का तेल डालें और उसको रात में सेवन करें। इससे नाइटफॉल भी आपका ठीक होता है, धात की प्रॉब्लम भी आपकी ठीक होती है। डॉक्टर साहब, एक मेन क्वेश्चन है जो है कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। ये हर एक दूसरे इंसान को कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो क्या ऐसी चीज़ यूज़ करें जो हमें घर में ही अवेलेबल हो, उसके यूज़ करने से हमारी कॉन्स्टिपेशन हमारी ठीक हो जाए करें? देखो कॉन्स्टिपेशन के ऑलमोस्ट 30% लोग होते हैं हमारे पास। देखिए कॉन्स्टिपेशन एक आम बीमारी हो गई है फैजान भाई, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रीमेच्योर इजेकुलेशन भी होता है। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें, आपको 1 चम्मच जीरा ले लें, 1 चम्मच सौंफ ले लें, 1 चम्मच आप अजवाइन ले लें, इसको थोड़ा सा हल्की आंच पे रोस्ट कर लें, रोस्ट करने के बाद इसको थोड़ा दरदरा कूट लें या मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लें, इसमें थोड़ा सा आप काला नमक मिला लें और दोपहर में खाना खाने के बाद और रात में खाना खाने के बाद 1/2 चम्मच गर्म पानी के साथ लेना शुरू करें। आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, ब्लोटिंग गैस बनती है वो ठीक होगी, वो दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो प्रीमेच्योर इजेकुलेशन भी काफ़ी हद तक आपका क्योर हो जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर साहब, एक मेन क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक पेशेंट के लिए कि उनको डायबिटिक होने के साथ ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, तो उनके लिए कोई होम रेमेडी जिससे उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन उनका ख़त्म हो जाए या कम हो जाए? देखो डायबिटिक पेशेंट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि उनकी जो नलियाँ हैं ना, वेसल्स जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो सबसे पहले तो उनको मसाज कराई जाती है, किसी भी अच्छे ऑयल से आप मसाज करें। दूसरा एक रेमेडी है, मैंने पहले भी बताई थी कि आप पालक के पत्ते लें, थोड़े से आप जो है धनिया के पत्ते लें, थोड़े से पुदीना के लें और थोड़े से करी लीव्स लें। इनको आप सुबह में 1 गिलास पानी के अंदर डालकर इसका आप जूस तैयार कर लें और बिना छाने आप इसको इस्तेमाल करें। जो डायबिटिक नहीं है वो शहद मिला लें 1 चम्मच उसके अंदर, थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। जो डायबिटिक है वो उसको ऐसे ही इस्तेमाल करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा इससे। क्या इस होम रेमेडी से कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? देखिए जितनी भी नेचुरल या हर्ब्स या जितने भी हम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इनकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि संभोग करने से पहले यानी सेक्स करने से पहले कोई ऐसी ड्रिंक जो हम उसको कंज्यूम करें जिससे हम अच्छे से सेक्स परफॉर्म कर सकें? हाँ, वैसे तो देखिए बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स हैं कि अगर आप संभोग करने से पहले उसको इस्तेमाल करें तो आपको इरेक्शन भी अच्छा आता है और आपकी स्टेमिना टाइमिंग भी बढ़ जाती है। लेकिन पर्सनली सेक्स को स्टार्ट करने से 1 घंटा पहले अगर आप ये वाली ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, 1 गिलास गर्म पानी के अंदर आप थोड़ी सी ज़ाफरान की यानी सेफ्रोन की पत्तियाँ डाल लें, थोड़ी सी शिलाजीत ले लें, थोड़ी सा कॉफ़ी डाल लें उसके अंदर थोड़ी सी, और 1/2 चम्मच या 1 चम्मच शहद डाल लें, थोड़ी देर उसे रखा रहने दें और उसको एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पहले आप संभोग करने से एक बार इस्तेमाल करें। और मैं आप पर्सनली आपसे भी कह के कहूँगा या जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप अगर शादीशुदा हैं तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें और आप सच में आप इतना अच्छा इसका रिजल्ट देखेंगे। अगर आप वाइग्रा, मैनफोर्स, टेडलाफिल ऐसी टेबलेट्स खाकर अगर आप
संभोग करते हैं, सेक्स करते हैं, तो आप भूल जाएंगे इस ड्रिंक को इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि ये नेचुरल है और इफेक्ट ऑलमोस्ट उतना ही आता है इसका। सो डॉक्टर साहब, एक मेन क्वेश्चन है जो मेरा पर्सनल, मेरा भी क्वेश्चन है कि ये पेनिस साइज कितना होना चाहिए जो आप एक फीमेल को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि जब से ये पोर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, तब से लोगों के अंदर एक मिसकॉन्सेप्शन ये बन गया है कि जितना लंबा साइज होगा उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अच्छा। और ये देखने की वजह से लोग उनके पेनिस साइज से अपने पेनिस साइज को कंपेयर करते हैं, उसको छोटा समझते हैं और वो साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यानी एक तरीके से नपुंसक जिसको बोलते हैं, कि वो अपने आप को फील करने लगते हैं कि मेरा साइज बहुत छोटा है और इस साइज से मैं फीमेल को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। आप ग्लोबली अगर देखा जाए ना, तो हर रीजन के पेनिस साइज अलग अलग है, ठीक है। तो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी जो लोग हैं, अगर इन लोगों का पेनिस साइज 3.5 इंच का भी है इरेक्शन के बाद, तो आप अच्छा बॉडी प्ले करने के बाद पेनिट्रेशन करके अपनी फीमेल पार्टनर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। 3.5 इंच का भी आप इजीली कर सकते हैं सेटिस्फाई। डॉक्टर, कुछ ऐसी टिप्स बताएं कि हम फीमेल को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाए। देखिए, फीमेल को सेटिस्फाई करने के लिए ना पूरा एक तरीका है। सबसे पहले आपके अपनी पार्टनर से, अपनी फीमेल से अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी के अगर इंटीमेट हो रहे हैं, इंटीमेसी आपकी है और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप उसके साथ खुल के बात नहीं कर सकते, आप उससे प्यार की बात नहीं कर सकते, तो क्या इंटीमेसी है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फीमेल पार्टनर के साथ इतना खुल जाना होगा कि आपको लगेगा कि आप दो जिस्म एक जान है, है ना। तो अगर आप ये इतना अच्छी बॉन्डिंग अपनी फीमेल पार्टनर के साथ फील कर रहे हैं, तो आप उससे रोमांटिक बातें भी करेंगे काफ़ी देर तक। जब आप अपनी फीमेल पार्टनर से अच्छी रोमांटिक बातें करते हैं, उसके साथ किसिंग करते हैं, उससे पूछ लेते हैं कि आपको किस पार्ट को टच करने पे आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या आपको क्या मैं ऐसा करूं जिससे आपको ज़्यादा ऑर्गेज्म आए, ज़्यादा मज़ा आए, तो सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आपकी अपनी फीमेल पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो आप उसी से पूछें, क्योंकि हर एक फीमेल का अपना अपना एक माइंडसेट होता है कि किसको किस तरह से ज़्यादा प्लेजर आता है। लेकिन अगर कॉमन वे में अगर देखा जाए, तो आप रोमांटिक बातों से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर तक रोमांटिक बातें करें, अपने रूम का एम्बियंस आप ऐसा बना के रखें, अच्छी खुशबू लगाएं, थोड़ा सा धीमी रोशनी जला लें, एक अच्छा सा म्यूज़िक भी आप चला सकते हैं रूम के अंदर, ठीक है। साथ में एक ऐसा नहीं कि आप गए और कूद गए बेड पे और कपड़े उतार दिए और आपने स्टार्ट कर दिया, नहीं, धीरे धीरे आप किसिंग स्टार्ट कर रहे हैं, किसिंग के साथ साथ आप जो है बातें भी कर रहे हैं, आप इरोटिक बात भी कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को बता रहे हैं कि आप इस तरह मुझे सेक्सी लगती हो, आपकी ये चीज़ मुझे बहुत इरोटिक लगती है। तो आप जब उसको ये फील कराते हैं कि वो सेक्सी है और आप उस टाइम पेनिट्रेट कर देते हैं ना, तो आप पेनिट्रेशन के बाद 1-1.5 मिनट भी अगर टिक जाएं, तो आप कंप्लीटली अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि आफ्टर पेनिट्रेशन, आफ्टर डिस्चार्ज, व्हाट ए वुमेन सीक फ्रॉम यू, व्हाट शी रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, वो क्या एक्सपेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड आउट प्ले। आउट प्ले आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी में इतना ज़्यादा अहम रोल अदा करता है कि आप डिस्चार्ज हुए, डिस्चार्ज होने के फौरन बाद आपने सोचा कि काम हो गया, छोड़ो, नहीं, आपकी जो पार्टनर है वो ये चाहती है उस टाइम कि आप उसके साथ लेटे रहें, थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करें, उसको हक करके लेटे रहें, उसको फील करते रहें एटलीस्ट 10 से 15 मिनट तक। और अगर आप ये आउट प्ले भी कर लेते हैं, तो आप ही समझे कि आपने अपने पार्टनर को वो सुख दिया है जो हर आदमी चाहता है कि मेरे अपने पार्टनर को वो सुख दो, और हर फीमेल भी चाहती है कि उसके साथ ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि किस किस दिनों में अपनी फीमेल के साथ सेक्स करने से वो हमारी फीमेल जल्दी कंसीव कर लेती है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, ओव्यूलेशन का एक टाइम होता है, जिस टाइम एक फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको माहवारी भी बोलते हैं, स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग या ब्लड आना स्टार्ट होता है, तो 2-3-4 दिन तक, किसी किसी को 5 दिन तक वो चलता है। जैसे ही वो फिनिश होता है, उससे आप 10 दिन बाद काउंट कर लें, फिनिश होने के 10 दिन बाद काउंट करने के, 10 दिन के जस्ट बाद आप जब स्टार्ट करते हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन तक आप लगातार जब इंटीमेट होते रहते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब
फीमेल को मेंसेस होते हैं, महावारी आती है, तो उसके साथ ओवम जो अंडा होता है जिससे बच्चा बनता है वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के बाद ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से 10 दिन उसको दोबारा बनने में लगते हैं। तो जब वो बन जाता है और उस टाइम एक मेल डिस्चार्ज होता है वजाइना के अंदर, तो उसके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अगर वाकई में किसी का पेनिस का साइज छोटा है तो उसको बढ़ाने के लिए कोई तरीका है क्या? देखिए, सबसे पहले अगर किसी को ये लगता है कि उसका पेनिस साइज छोटा है तो उसको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो ही उसको बताएगा कि वाकई में उसका पेनिस साइज छोटा है या नहीं है। क्योंकि कोई भी पर्सन जब ऊपर से अपने पेनिस को देखता है ना ऐसे करके, तो फुल लेंथ उसको नहीं देख पाता है, जिसकी वजह से उसको लगता है कि उसका पेनिस छोटा है। आप किसी डॉक्टर से मशवरा करेगा तो वो डॉक्टर उसको प्रॉपरली उसको मेजर करेगा और उसको बताएगा कि आपका पेनिस साइज क्या है। अगर वाकई में आपका पेनिस साइज छोटा है या फिर आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो डिमांडिंग है, वो चाहती है कि आपका साइज बड़ा हो जिससे उसको सेटिस्फेक्शन हो, तो उसका सबसे जो स्टार्टिंग ट्रीटमेंट है वो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें ऑयल मसाज कराई जाती है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स दिए जाते हैं, साथ साथ में पेनिस एनलार्जमेंट पंप जिसको वैक्यूम पंप भी बोलते हैं या लिंग वर्धक पंप बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल कराया जाता है। उसके इस्तेमाल करने से कुछ हद तक साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन अगर साइज बहुत ज़्यादा छोटा है, सपोज माइक्रो पेनिस है, 1 इंच का है 2 इंच का है या 2.5 इंच का है, और आप उसको अनलार्ज करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो सिर्फ सर्जरी उसका एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और सर्जरी हर केस के अंदर ना तो पॉसिबल है और ना हर केस के अंदर सक्सेसफुल है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि इरेक्शन आना भी बंद हो जाता है। तो डॉक्टर टू डॉक्टर भी डिपेंड करता है और बॉडी टू बॉडी भी डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, किसी का सीमेन अगर बहुत थिन हो गया है तो उसको थिक करने के लिए, उसको गाढ़ा करने के लिए हम क्या रेमेडी यूज कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो ये मिथ है मेरे हिसाब से कि वीरे का पतलापन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर रोल प्ले नहीं करता है। ठीक है, बेसिकली जो पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो ज़्यादा किरदार अदा करती हैं उसको होल्ड करने में और ज़्यादा टाइमिंग को इंक्रीज करने में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वाकई में वीर्य किसी का पतला हो गया है, तो उसके लिए आप ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप एक शेक बना के बता, मैं आपको एक बता रहा हूँ एक रेमेडी, कि आप तरबूज ले लें, तरबूज के छोटे छोटे हिस्से करें, थोड़ा सा तरबूज ले लें, थोड़ा सा अदरक ले लें, उसको शेकर में डाल के उसका शेक बनाएं, रोज़ाना सुबह में पिएं उसको। आप देखेंगे कि उसको रेगुलर इस्तेमाल करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा, आपका वीर्य गाढ़ा होगा, टाइमिंग बढ़ेगा, इरेक्शन भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि मास्टरबेशन ज़्यादा करने से हमें जो वीकनेस फील होती है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो लोग मास्टरबेशन करते हैं, तो मास्टरबेशन क्योंकि अननेचुरल है, अननेचुरल चीज़ करेंगे तो आपको वीकनेस आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आपको वाकई में वीकनेस आ रही है किसी भी तरीके से बॉडी वाइज, तो आप शिलाजीत का इस्तेमाल करें। आप अगर आप सुबह में थोड़ी सी शिलाजीत इस्तेमाल करते हैं तो वो जो आपकी फिजियोलॉजिकल वीकनेस है, फिजिकल वीकनेस है, जो दिल में थकान आप फील करते हैं, वो आपकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये जो शिलाजीत है, ये आप देखते हो मार्केट में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इसकी, इतनी ज़्यादा इसकी हर एक दुकान पे 4-4, 10-10 किस्म की जो है वो शिलाजीत पाई जाती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी असली है, कौन सी नकली है, कौन सी हमें लेनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि शिलाजीत को हम कैसे पहचाने कि असली है या ये नकली है। शिलाजीत को इतना ज़्यादा इसका एडवर्टाइज़ किया गया है सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कि लोग ये सोचते हैं कि शिलाजीत सिर्फ सेक्सुअल हेल्थ के लिए, बेसिकली इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अब अगर हम बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर शिलाजीत का ऐसा है जो वाकई में ऑथेंटिक है और इफ़ेक्टिव है, तो उसके लिए बहुत सारी कंपनीज आजकल अपने प्रोडक्ट के साथ जो है ना लैब रिपोर्ट देती है। तो उस लैब रिपोर्ट में देखें कि उसके अंदर फुलविक एसिड कितना है, वो ऑथेंटिक मानी जाती है जिसके साथ लैब रिपोर्ट साथ में आती है। तो अगर आप किसी भी कंपनी की शिलाजीत खरीद रहे तो उसके साथ उसकी लैब रिपोर्ट देखकर खरीदें तो वो ऑथेंटिक हो। डॉक्टर साहब, फीमेल को किसी को अगर पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं और अगर उसी में अगर सेक्स कर लिया जाए, क्या वो सही है या नहीं? देखिए, अगर किसी फीमेल को पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं तो कभी कभी किसी फीमेल को ऐसा होता है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर होती है,
तो वो डिमांड करती है अपने पार्टनर से कि आप मेरे साथ करें। तो ऐसे में पार्टनर को उसको समझाना चाहिए कि देखिए ये आपका ऐसा टाइम है कि अगर इस टाइम में हम इंटीमेट होते हैं तो उसकी हेल्थ के लिए भी और मेल की हेल्थ के लिए भी, दोनों के हेल्थ के लिए ये बिल्कुल नुकसानदेह है, अननेचुरल है, इस टाइम में दोनों को दूरियां बना लेनी चाहिए, ये बेहतर है, सेफ है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी डाइट हमें बताएं, क्योंकि मोस्टली लोग जो आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं उनके वो घर की खुराक नहीं खा सकते हैं, घर की डाइट नहीं ले सकते हैं वो, तो ऐसी वो क्या डाइट लें जो डेली बेसिस पे, ताकि अपने जब भी अपने घर में जाएं तो वो एक अच्छा सेक्स परफॉर्म कर सकें, कोई ऐसी डाइट हमें बता दें। देखिए इसके लिए एक बहुत अच्छा शेक है, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में और आप चाहते हैं कि आप हेल्दी बने रहें और जैसे ही अपने देश में पहुँचे, अपने मुल्क में पहुँचे और अपनी वाइफ से मिले तो आप उसको बहुत अच्छे से खुश कर सकें, तो आप थोड़ी सी खजूर, थोड़े से बादाम, थोड़े से अखरोट, थोड़े से काजू, थोड़ी सी आपको अंजीर, थोड़ी सी रेजिन्स जिसको किशमिश बोलते हैं, और दो तरह के आपको इसमें लेने हैं, ये बीज लेने हैं जिसको सीड्स भी बोलते हैं, दो तरह के सीड्स लेने हैं जिसमें पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, इन सबको थोड़ा थोड़ा लेकर आप रात में भिगो दें, सुबह में उठ के एक केले में और एक गिलास दूध के अंदर इसको शेक बना लें इसका, और इसको रेगुलर बेसिस पे आप इसको यूज़ करें, आप देखेंगे कि आपके अंदर जो स्टेमिना होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, उम्मीद है कि हमारे देखने वालों के हर एक सवाल का जवाब उनको बखूबी से मिल गया होगा। तो अगर फिर भी कोई भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब हम डॉक्टर साहब को बुलाएंगे उन सारे सवालों के हम जवाब बखूबी से ले लेंगे। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।